अगर आप रेस्यूम म्यूजिक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो रेस्यूम म्यूजिक एप्लीकेशन में एक नया अपडेट देखने को मिलेगा। इस नए अपडेट के थ्रू अगर आप यहाँ पे म्यूजिक को प्ले करते हैं तो फ्लैश लाइट भी उसके साथ ब्लिंक करेगा, साथ में स्क्रीन का जो कलर है उसको भी आप यहाँ पे ब्लिंक करवा सकते हैं। वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको वॉल्यूम बूस्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रेस्यूम म्यूजिक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें और लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के लिए तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, फेसबुक, मोबाइल और जीमेल, तीनों में से कोई ऑप्शन को आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। यहाँ पे चूज़ करने के बाद सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ही आपको यहाँ पे जो भी आपको म्यूजिक प्लेयर देखने को मिलेगा वो आपको लॉगिन के बाद ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सर्च के ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएंगे म्यूजिक के। अगर आपको और भी कैटेगरी चाहिए तो ऊपर में आपको ब्राउज ऑल वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको और भी कैटेगरी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लेटेस्ट अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो उसका भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे टॉप चैट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और न्यू रिलीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, साथ में आपको सर्च का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी स्पेशल सॉन्ग सुनना है तो आप सर्च करके उसको सुन सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस प्रकार से स्क्रॉल करते हैं, डाउन करते हैं या अप करते हैं तो ऑटोमेटिक म्यूजिक जो है प्ले होना चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं नए फीचर के बारे में, तो इसके लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। ये थ्री डॉट वाला ऑप्शन देखने को मिला, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं माई पार्टी करके। ये एक नया आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाएगा माई पार्टी करके, तो इस माई पार्टी वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम बूस्टर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ और म्यूजिक के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको वर्क करवा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने फ्लैश को ऑन किया, फ्लैश को ऑन करने बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है, पर हर म्यूजिक में ये काम नहीं करेगा। अगर मैं इसको दिखाता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर कोई भी म्यूजिक को यहाँ पर चेंज करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि म्यूजिक तो प्ले हो रहा है पर आपको ये जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक नहीं करेगा। तो कौन कौन से म्यूजिक में ये ब्लिंक करेगा, तो इसके लिए आपको चलिए क्या करना है कि फिर से आपको ऊपर में जो आपको देखने को मिला माय पार्टी वाला ऑप्शन, इस पर टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद फ्लैश वाले को बंद कर लेता हूँ और नीचे में आपको कुछ यहाँ पे म्यूजिक देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप इसको इस प्रकार से करें और यहाँ पर चार आपको म्यूजिक देखने को मिलेगा रिलेटेड में। अगर आप इसको किसी को भी यहाँ पर प्ले करते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पर प्ले किया है और प्ले करने के बाद चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वॉल्यूम जो बूस्टर है उसको आप यहाँ पे सेट करने के बाद, अगर मैं यहाँ पे फ्लैश को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे म्यूजिक के साथ ये फ्लैश भी यहाँ पे काम करता है। तो जैसे यहाँ पे बीट आता है तो बीट के साथ ही ये आपको फ्लैश देखने को मिलेगा, साथ में आपको वाइब्रेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पर वाइब्रेशन को इनेबल करना, वाइब्रेशन को इनेबल कीजिएगा तो आपको यहाँ पर पूरा फील मिलने वाला है। नीचे में कलर वाला भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, कलर पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपका जो स्क्रीन का कलर है वो भी चेंज होगा ब्लिंक के साथ। तो ये काफ़ी यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे काम करता है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है। अगर क्लोज करना है तो क्लोज पे क्लिक कर दें। चलिए मैं फ्लैश लाइट को भी क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं अगर यहाँ पर कोई दूसरा यहाँ पर सॉन्ग को प्ले करता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल सॉन्ग में देखने को मिलेगा और कुछ दिन बाद आपको हर सॉन्ग में ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें।